हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यू पोर्शन। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के थ्योरी पोर्शन को डिस्कस किया था, क्योंकि काफ़ी टफ चैप्टर ये माना जाता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्सी में था। काफ़ी कोचिंग्स वालों ने, बड़ी बड़ी कोचिंग वालों ने इसका आंसर कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, बट एनटीए ने इसका आंसर फर्स्ट माना था। फर्स्ट मतलब क्या कि कॉर्निया कॉन्सिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। मतलब कि डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन का बना होता है और मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ आई होता है, ये आंसर एनटीए ने माना है। बट कुछ कोचिंग वालों ने इसको रॉन्ग दिया है, जो कि गलत बोल रहे हैं। ये आंसर सही है, एब्सोल्युटली ट्रू है, क्योंकि मैं अदर ऑप्शन को कट कर देता हूँ, आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। अदर ऑप्शन क्यों नहीं है, जो कि अदर कोचिंग वालों ने मिस्टेक किया था। ओके, कॉर्निया इज एक्सटर्नल, करेक्ट है। ट्रांसपेरेंट, करेक्ट है। प्रोटेक्टिव, करेक्ट है। प्रोटीनिशियस, प्रोटीन भी पाई जाती है। कवरिंग ऑफ आई बॉल, दिस इज रॉन्ग। आई बॉल नहीं होता है, बल्कि ये इंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई होता है। ओके, दिस इज आई बॉल एंड दिस इज कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पर है? दिस इज कॉर्निया। ओके, कॉर्निया केवल इंटीरियर पोर्शन ऑफ आई बॉल के इंटीरियर पोर्शन है, कंप्लीट आई बॉल को कवर नहीं किया, जो कि ये क्या कर रहा है, कवरिंग ऑफ आई बॉल क्या कर, क्या पूरी कवरिंग है क्या? नहीं, पूरी कवरिंग इंटीरियर पोर्शन आई बॉल का पार्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, कॉर्निया इज एक्सटर्नल, ट्रांसपेरेंट, प्रोटेक्टिव, प्रोटीशियस, कवरिंग ऑफ आई बॉल। क्या पूरे आई बॉल की कवरिंग है क्या? नहीं, पूरे आई बॉल की कॉर्निंग नहीं, इंटीरियर पोर्शन ऑफ आई पाई जाती है बस। केवल इस वजह से ये ऑप्शन गलत था, बाकी अदर ऑप्शन सही थे। एनटीए ने केवल इस वर्ड की वजह से ऑप्शन को गलत ले लिया, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन कैन रिपेयर इटसेल्फ। डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिन का नहीं होता है, इसमें टोटल 5 लेयर्स की पाई जाती हैं, कोलेजन मैट्रिक्स वगैरह पाए जाते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। एंड कॉर्निया में रिपेयर की प्रॉपर्टी कुछ लेयर में होती है, टोटल 5 लेयर्स होती हैं कॉर्निया में। कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स होती हैं कॉर्निया में। कुछ लेयर्स में रिपेयर की प्रॉपर्टी पाई जाती है, बस कुछ में बिल्कुल नहीं होती। और अल्सर बन गया तो आपको ओपेसिटी क्लियर कर दे, क्रिएट कर देगा, आपको दिखेगा नहीं। ओके, तो रिपेयर की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ओके, ऑप्शन डी क्या कर रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है कि कॉर्निया इज अ कन्वेक्स, करेक्ट है, ट्रांसपेरेंट भी है, एंड विच इज हाईली वैस्कुलराइज्ड। नो, दिस इज नॉन वैस्कुलराइज्ड, ये नॉन वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, सो दिस इज ऑप्शन रॉन्ग। सो इसके सारे ऑप्शन बी सी डी सारे ऑप्शन रॉन्ग हुए। क्यों रॉन्ग हुए मैंने बता दिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन का बना होगा, मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ दी आई। यस, दिस इज वेरी सेंसिटिव पोर्शन होता है ये, ठीक है, बट आई बाल की कवरिंग नहीं होती, इस वजह से ऑप्शन ये बी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, एनडीए ने यही आंसर माना है। क्यों गलत हुआ बी? कुछ लोगों ने, सारी कोचिंग वालों ने बी ऑप्शन दिया है, बट उन्होंने क्या मिस्टेक किया, आई बाल की कवरिंग नहीं होती, ये मिस्टेक किया उन्होंने, एनटीए ने इसलिए गलत मान लिया इसको। ओके, बाकी ऑप्शन तो सही थे, बट इस वजह से गलत हो जाएगा। सो नो डाउट ये कॉन्ट्रोवर्सी में क्वेश्चन था, आंसर ए सही है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन? थर्मोरेगुलेशन किसका था? हाइपोथैलेमस का था। मिडल ऑफ लंग अटैक किसको रेगुलेट करता है? ये रेस्पिरेशन, ओके, रेस्पिरेशन, कार्डियक, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, सबको मिडला लंग अटैक रेगुलेट करेगा। ओके, सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम का फंक्शन होता है कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन, वॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल बाय सेरिब्रम। ओके, वॉलंटरी फंक्शन ऑफ बॉडी, मेनली मस्कुलर फंक्शन वगैरह सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। ओके, नेक्स्ट हाइपोथैलेमस, दिस इज थर्मोरेगुलेशन,
थर्मोरेगुलेशन, ठीक है, एंड क्या थर्स्ट का, पानी प्यास लगना, भूख लगना, सब काम हाइपोथैलेमस का है। कार्पस्कुलेशन इट क्या करता है, कार्पस्कुलेशन क्या करता है, इट कनेक्ट टू लोब ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओके क्लियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेशन में काम करेगा। ओके रिस्पॉन्सिबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो ऑप्शन नॉट करेक्ट मिले हाईलाइट कर दो, इससे आपको मिस्टेक ना होने पाए। एन एक्शन पोटेंशियल इन द एग्जॉन डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द सेगमेंट बियॉन्ड इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। यस, बियॉन्ड जहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ उसके पीछे वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में जा चुका है, जो कि इम्पल्स नहीं लेता, इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। तो डीपोलराइज, नेक्स्ट ऑप्शन, डीपोलराइजेशन ऑफ द हेयर सेल्स ऑफ कॉकलिया रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम चैनल। एंड यस, कॉकलिया वगैरह में क्या है कि मैकेनिकली पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे हेयर्स में डीपोलराइजेशन में। मेनली क्या होता है कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम गेटेड चैनल ओपन होते हैं, लेकिन कॉकलिया के हेयर सेल्स में ओपनिंग ऑफ मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ये इसमें ये है, ठीक है। रॉड आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डेलाइट विजन। नो, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। रॉड मीन्स नाइट विजन के लिए होता है, सेंसिटिव होता है, डेलाइट नहीं, किसके लिए होता है ये, नाइट विजन के लिए होता है। सो दिस इज रॉन्ग, ये नॉट करेक्ट पूछा था, दिस इज नॉट करेक्ट। इन द नेचर स्टिमुलस इज द स्ट्रेचिंग ऑफ मसल, रिस्पॉन्स इज कॉन्ट्रैक्शन। नी जर्क में क्या होता है कि स्टिमुलस मिलते ही मसल स्ट्रेच हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शन में शुरू हो जाती है। यह दिस इज करेक्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रॉड वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डेलाइट, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सो आंसर इज सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर। तो मेंटेनेंस बैलेंस बॉडी के लिए क्या था, ये वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स था। ओके वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स होता था, ऑपरेटर्स था, जबकि हियरिंग के लिए कॉकलिया था। ओके तो बैचलर मेम्ब्रेन एंड ओटोलिथ ऑर्गन, बैचलर मेम्ब्रेन पाया जाता था कहाँ, इसके लिए मीडिया टू इसके लिए टिम्पेनाइक बीच जो बैचलर मेम्ब्रेन पाया जाता था, ये हियरिंग से रिलेटेड था। सो दिस इज रॉन्ग। ओटोलिथ ऑर्गन, ओटोलिथ ऑर्गन में क्या था, ये था यूट्रिक्यूल एंड सैक्यूल, इनके ऑर्गन क्या बोलते थे, मैकुला। दिस इज हेल्प इन बैलेंसिंग का काम करता था, ये क्या काम करता, मैकुला हेल्प इन बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का काम ओटोलिथ ऑर्गन करता। सो दिस इज करेक्ट बट दिस इज रॉन्ग। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। हेयर सेल्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टे वनली हियरिंग, सो दिस इज रॉन्ग। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हियरिंग के लिए, सो दिस इज रॉन्ग। मैकुला दिस इज फॉर बैलेंसिंग के लिए, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, सो दिस इज रॉन्ग। क्रिस्टा एम्पुलेरिस, क्रिस्टा एम्पुलेरिस ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स की स्वेलिंग एंड को क्रिस्टा एम्पुलेरिस बोलते थे, ये बैलेंसिंग के लिए होता था। मैकुला आल्सो फॉर बैलेंसिंग ओटोलिथ ऑर्गन का, सो दिस इज ऑप्शन डी इज फॉर द बैलेंसिंग के लिए हो जाएगा। सो आंसर इज डी, क्रिस्टा एम्पुलेरिस बैलेंसिंग, मैकुला इज द बैलेंसिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निस्ल बॉडीज आर मेनली कंपोज ऑफ, निस्ल बॉडी किसका बना होगा, निस्ल ग्रेन्यूल किसका बना होगा, आरएनए का बना होता था और राइबोसोम का बना होता था। ओके तो प्रोटीन एंड लिपिड, नो, डीएनए आरएनए, नो, न्यूक्लिक एसिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो, फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस दिस इज करेक्ट। प्रोटीन सिंथेसिस करवाता था ना ये राइबोसोम की वजह से, सो आंसर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, फ्री राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निस्ल बॉडी बनेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रीजन इज इनकरेक्टली मार्किंग पेयर्ड विथ फंक्शन। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, फर्स्ट ऑप्शन ए कंट्रोल रिस्पिरेशन कार्डियोवास्कुलर प्रोसेस, यस दिस इज करेक्ट। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन अपॉन ब्रेन, ये क्या है, ये पॉन्स का करेक्टर है, ये लिम्बिक सिस्टम का नहीं है। लिम्बिक सिस्टम को क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन बोला जाता है। ओके ये क्या करता है, पहला पॉइंट ये करता है सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करेगा। ओके
सेक्सुअल, ये सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करता है। और क्या करता है ये? इमोशनल रिएक्शन को मेंटेन करता है। ये इमोशनल रिएक्शन को मेंटेन करेगा, लाइक फियर, रेज, प्लेजर, मोटिवेशन, इन सबको मेंटेन करता है। ओके, हाइपोथैलेमस ऑप्शन सी, सो दिस इज ऑप्शन बी इज रॉन्ग हो जाएगा। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स करेक्ट है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर करेक्ट है, हंगर एंड थर्स्ट करेक्ट है, सो ऑप्शन सी ऑल्सो रॉन्ग। कार्पस कलोसम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो रॉन्ग आंसर इज बी, लिम्बिक सिस्टम रॉन्ग आंसर है, इसके साथ कोई मैचिंग नहीं है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन प्लेस बाय, तो ट्रांसपेरेंट लेंस ह्यूमन आई में किसके द्वारा प्लेस रहता है? ये सिलरी बॉडी से जो लिगामेंट अटैच होता है उसी से प्लेस रहता है, मैं बता चुका हूँ। तो ये लिगामेंट अटैच विद सिलरी बॉडी, यस दिस इज करेक्ट है। लिगामेंट अटैच विद आयरिस, आयरिस के साथ लिगामेंट को अटैच नहीं होता। आयरिस क्या करता है? आयरिस डायमीटर ऑफ पिपिल मेंटेन करता है। ओके, डायमीटर ऑफ प्यूपिल को मेंटेन करेगा कौन? आयरिस। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। स्मूथ मसल अटैच टू द आयरिस, नो, आयरिस में स्मूथ मसल होती है, ये करेक्ट है, बट ये ट्रांसपेरेंट लेंस से कोरिलेशन नहीं है। ओके, स्मूथ मसल्स आयरिस पाए जाते हैं, करेक्ट है। स्मूथ मसल अटैच टू द सिलरी बॉडी, ये भी स्मूथ मसल्स होती हैं, दोनों ऑटो रेगुलेटेड होते हैं, बट इसके साथ रिलेशन नहीं है। ट्रांसपेरेंट लेंस को लिगामेंट से अटैच करता है सिलरी बॉडी। सो आंसर इज ए, इज द लिगामेंट अटैच टू द सिलरी बॉडी कंट्रोल लेंस को अटैच करके रखता है ट्रांसपेरेंट लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीथ किसके द्वारा बनता है? एस्ट्रोसाइट सेल। एस्ट्रोसाइट सेल क्या बनाती थी? एस्ट्रोसाइट याद करो, ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करती है। स्वान सेल क्या फॉर्म करती है? ये माइलिन शीथ को फॉर्म करेगी। सो एस्ट्रोसाइट रॉन्ग है, माइलिन शीथ नहीं प्रोड्यूस करेगी, स्वान सेल प्रोड्यूस करेगी, ये करेक्ट है। ओलिगोडेंड्रोसाइट, यस, ये माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करती है, दिस इज करेक्ट है। ऑस्टियोक्लास्ट, नो, ऑस्टियोक्लास्ट नहीं प्रोड्यूस करती है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करती है? ये बोन को डिस्ट्रॉय करती है, बोन रिजॉर्प्शन या बोन डिस्ट्रॉइंग सेल बोल सकते हो, डिस्ट्रॉइंग सेल को ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है? ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल को ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन या बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्ट्रोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉय की फॉर्मिंग करेगी, सो दिस इज रॉन्ग। एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करेगी, यही कोरिलेशन है इसका। ओके, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। बट नेक्स्ट ऑप्शन डी, स्वान सेल यस फॉर्म करती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म करेगी। सो आंसर इज क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट ये सब माइलिन को फॉर्म करेंगी। ओके, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट इन, ओके, दिस इज प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन या सिनेप्टिक नॉब। ओके, सिनेप्टिक नॉब हो जाएगा। नेक्स्ट इज पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ओके, पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वेसिकल पाई जाएंगी, क्या ये सिनेप्टिक नॉब है, ये यहाँ पर क्या पाई जाएंगी? ये वेसिकल पाई जाएंगी, वेसिकल पाई जाएंगी। ओके, दिस इज पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस पर क्या है? ये रिसेप्टर पाए गए हैं, ये दिस इज रिसेप्टर, रिसेप्टर ये हो गए। ओके, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। दिस इज प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ओके, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो रिसेप्टर कहाँ पाए गए हैं? ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पाए गए हैं, दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो जाता है। तो रिसेप्टर कहाँ पाए जाएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर पाए जाएंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, नो, टिप ऑफ एग्जाम, नो, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यस, दिस इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये रिसेप्टर पाए गए हैं। मेम्ब्रेन ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स, नो, सिनेप्टिक वेसिकल तो ये है, इसके अंदर क्या न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड ऑफ है, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड ऑफ है। ओके, नेक्स्ट,
गुड विजन डिपेंड ऑन द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड। ओके, कैरोटीन रिच फूड लेगा तो गुड विजन क्या करता है, ये रोडोप्सिन की बात करें, कैरोटीन रिच लेने पर रोडोप्सिन विटामिन ए मेंटेन करेगा। सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट, विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन, यस दिस इज करेक्ट। फोटोपिगमेंट आर एम्बेडेड इन दी मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, इनर सेगमेंट पर नहीं है, मेम्ब्रेन पर डिस्क में फोटोपिगमेंट नहीं पिकअप होते हैं। रेटिनल इज अ डेरिवेटिव विटामिन ए, यस रेटिनल पिगमेंट डेरिवेटिव विटामिन ए होता है, करेक्ट है। रेटिनल इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑल द विजुअल पिगमेंट, ये सारा का सारा रेटिनल क्या है, लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट नहीं होता है, वो भी ऑल विजुअल पिगमेंट में नहीं पाया जाता, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट एंड थ्री करेक्ट, तो 1, 2, 3 नो, जिसमें 4 होगा रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग एंड 2 रॉन्ग, सो ये रॉन्ग। आंसर क्या बचा, ये बचा आंसर 1 and 3 इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, आंसर इज बी, फर्स्ट एंड थ्री इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, नोसीसेप्टर रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द प्रेशर, नो, नोसीसेप्टर किसके लिए, फॉर पेन स्टिमुलस के लिए होता है। मेसनर्स कैप्सूल्स आर द थर्मोरिसेप्टर, नो, मेसनर कैप्सूल थर्मोरिसेप्टर नहीं होता है, ये टच रिसेप्टर होता है। फोटोरिसेप्टर द ह्यूमन आई आर डीपोलराइज्ड ड्यूरिंग डार्कनेस, करेक्ट है, बिकम हाइपर पोलराइज्ड इन रिस्पांस टू लाइट स्टिमुलस, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। डार्क में डीपोलराइज होता है, डीपर में तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, बट हाइपर पोलराइज्ड कब हो जाता है, वो जब बिल्कुल भी इंपल्स नहीं का, हाइपर पोलराइज कब होगा, लाइट स्टिमुलस में फोटोरिसेप्टर हाइपर पोलराइज हो जाएगा, दिस इज करेक्ट ऑप्शन है ये। रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूसेस ग्रेडेड पोटेंशियल, नो, रिसेप्टर ग्रेडेड पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई में फोटोसेंसिटिव पिगमेंट कंपाउंड क्या पाया जाता है, ऑप्शन एंड रेटिनॉल, ऑप्शन पाया जाएगा, रेटिनॉल नहीं, अल्कोहल फॉर्म नहीं, एल्डिहाइड फॉर्म होता है, क्या होगा, रेटिनल पाया जाता है, एल्डिहाइड फॉर्म में पाया जाएगा। ओके, ट्रांसड्यूसिंग रेटिनिन, ट्रांसड्यूसिंग रेटिनिन नहीं होगा। ओके ओके, रेटिनिन क्या होता है, ये रेटिनिन से रेटिनल फॉर्म होता है, एल्डिहाइड फॉर्म से रेटिनिन से इसका रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड फॉर्म होता है, रेटिनिन रेटिनल में कन्वर्ट होता है। ओके, ट्रांसड्यूसिन रेटिनिन तो होगा बट ये नहीं होगा, ये ऑप्शन सी ग्वानोसिन एंड रेटिनॉल, नो, ग्वानोसिन होगा, ऑप्शन एंड रेटिनल, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन एंड रेटिनल, ऑप्शन एंड रेटिनल करेक्ट हो जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज फोटोसेंसिटिव पिगमेंट ह्यूमन आई का ऑप्शन एंड रेटिनल का बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, के इंटीरियर हॉर्न सेल डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या होगा, इंटीरियर हॉर्न सेल को डिस्ट्रॉय कर दें तो कमिसोरल इंपल्स लॉस होगा, नो, कॉर्ड क्या लॉस होगा, कमिसोरल इंपल्स, नो, इंटीग्रेटिंग पोटेंशियल ये लॉस नहीं होगा, सेंसरी इंपल्स ये भी लॉस नहीं होगा, वॉलेंट्री मोटर इंपल्स लॉस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी टफ क्वेश्चन है, कहीं से कोई रिलेशन नहीं है, कोई ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो इसके आंसर का आप लोग बेस्ट होगा, आप आंसर ही इसका रट डालो, आंसर इसका कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटीरियर हॉर्न सेल को डिस्टर्ब करने पर क्या लॉस हो जाएगा, वॉलेंट्री मोटर इंपल्स लॉस हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री मोटर इंपल्स लॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमेलियन आई फोविया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर, फोविया कहाँ पाया जाता है, मैकुला के अंदर फोविया डिप्रेशन होता है वहां पाया जाता है, और क्या करता है ये, वनली कौन पाया जाता है, शार्पेस्ट विजन होता है, वनली रॉड प्रेजेंट, नो, मोर रॉड देन कौन, नो, हाईली डेंस टॉप कौन अगर बट नो रॉड, यस दिस इज करेक्ट, वनली कौन पाया जाएगा, रॉड ऑप्शन रहेगा। ऑप्टिक नर्व लीव दी आई, ये ब्लॉन्डी की भी क्या होता है, ये दिस इज ब्लाइंड स्पॉट से लीप करता है ऑप्टिक नर्व, सो दिस इज रॉन्ग, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, हाई डेंसिटी आप कौन पाया जाएगा, डार्ट नहीं पाया जाएगी। ओके, ये फोबिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A mouse is able to balance his body upside, हमेशा upside रखता है, even during total darkness रहेगा तब भी balance करेगा, तो balancing बात आती है, क्या हो जाएगा, vestibular apparatus, vestibular apparatus के द्वारा होगा, macula and crista ampullaris, vestibular apparatus में कौन maintain करता है, ये macula, utricle, cingula का, and कौन सा, क्रिस्टा एम्पुलेरिस सेमी सर्कुलर कैनाल का, ओके, क्रिस्टा एम्पुलेरिस सेमी सर्कुलर कैनाल का क्रिस्टा एम्पुलेरिस क्या करता है, बैलेंस करता है ये, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये हियरिंग से रिलेटेड है, रॉन्ग, ऑर्गन ऑफ कॉटाई रॉन्ग, हियरिंग से कॉक्लिया रॉन्ग, ये तीन की तीनों किसे हैं, ये हियरिंग से रिलेटेड है, वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स इज फॉर बैलेंसिंग, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स फॉर बैलेंसिंग के लिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच आर द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली मार्किंग पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन, जो इनकरेक्ट बोले करेक्ट उसको जरूर मार्क कर लीजिए, करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा फंक्शन है, कॉर्पस कैलोसम कम्युनिकेशन करता है किसको, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, यस करेक्ट है, सेरेब्रम कैलकुलेशन के लिए, कॉन्टेम्प्लेशन के लिए करेक्ट है, मिडल ऑफ लंगेटा होमोस्टैटिक कंट्रोल के लिए, दिस इज करेक्ट है, सेरिबेलम लैंग्वेज कंप्रिहेंशन के लिए, नो दिस इज रॉन्ग, लैंग्वेज के लिए सेरिबेलम नहीं होता है, सेरिबेलम क्या होता है, बैलेंस ऑफ बॉडी के लिए होता है, ये बैलेंस ऑफ बॉडी मीन्स क्या, कि ड्रंकन पर्सन में बैलेंसिंग करेगा और स्केलेटल मसल को मूवमेंट में हेल्प करता है, ये लैंग्वेज कंप्रिहेंशन के लिए क्या पाया जाता है, फ्रंटल लोब पाया जाता है, फोरब्रेन होगा, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, सेरिबेलम लैंग्वेज कंप्रेंसर दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, ओके क्लियर, सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब्ड, हाइपोथैलेमस जो जो फंक्शन होगा, टेम्परेचर रेगुलेट करना, थर्स को रेगुलेट करना, हंगर को सेंटर पाया जाएगा, सब हाइपोथैलेमस में पाया जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी कोरिलेशन नहीं है हाइपोथैलेमस से, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन जिससे रिलेशन नहीं है, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन सच एज डिसीजन एंड मेकिंग, ये हाइपोथैलेमस का काम नहीं है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यस सबसे क्या होगा मेन फंक्शन हाइपोथैलेमस का, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा हाइपोथैलेमस, इंजरी हो जाएगी तो बॉडी टेम्परेचर इरेगुलर हो जाएगा, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉडी टेम्परेचर, ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी ये फ्रंटल लोब में हो जाएगा, ओके, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन किसका काम होता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी फ्रंटल लोब का, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन किसका है, सेरी बेलम का फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग किसका, ये फ्रंटल लोब का फंक्शन है, ओके, बट रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर किसका, ये हाइपो थैलेमस का है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा, ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा नॉट करेक्ट होगा, रेटिनल इज ए लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ द विजुअल फोटोपिगमेंट, यस रिक्रिएट, यस दिस इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following statement is not correct? कौन सा not correct होगा? Retinal is the light absorbing portion of visual photopigment. Yes, this is correct है. ठीक है, retinal क्या होता है? Vitamin A का rhodopsin pigment पाया जाता है. ये night में काम करता है ये. Okay, visual के लिए. तीन retina, rod है photopigment, rhodopsin होगा जो कि कौन में three different pigment पाए जाते हैं. Red, green और blue के लिए. किसके three different कौन सा? रेड ग्रीन एंड ब्लू के लिए पाए जाएंगे थ्री डिफरेंट पिगमेंट, तीनों मिल करके व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं. और नेक्स्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी, रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, नो दिस इज रॉन्ग, किसका, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है रेटिनल, ओके, रोडोप्सिन इज द पर्पलिश रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन द रॉड ओनली, यस केवल रॉड में रोडोप्सिन पाया जाएगा, क्लियर, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी इज द क्या है, ये रॉन्ग है, ये विटामिन
जी का रेटिनल एलिमेंट है विटामिन ए का मतलब, सो दिस इज रॉन्ग, बाकी ए बी एंड डी आल आर द करेक्ट, नॉट करेक्ट सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ए बी सी डी ह्यूमन आई आर शोन इन द डायग्राम, सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन अलोंग विद फंक्शन करेक्टरिस्टिक। सी सी इज द एक्वस चैम्बर, करेक्ट है, रिफ्लेक्ट द लाइट विच डज नॉट पास थ्रू द लेंसेस, ओके। तो कोराइड इज इंटीरियर पार्ट, डी डी फॉर क्या है, कोराइड का इंटीरियर पार्ट फ्रॉम सिलियरी बॉडी, सिलरी बॉडी का इंटीरियर पार्ट कोराइड नहीं बनाता है, ये पोस्टीरियर पार्ट बनाता है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ए फॉर रेटिना, रेटिना ए कंटेन फोटो रिसेप्टर रॉड एंड कोन, यस रॉड एंड कोन फोटो रिसेप्टर पाया जाता है, दिस इज द करेक्ट हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट, बी फॉर ब्लाइंड स्पॉट हैज ओनली रॉड कौन, नो यहाँ कोई नहीं पाया जाता, दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ए क्वेश्चन नंबर होता है रिफ्लेक्ट द लाइट डज नॉट पास थ्रू द लेंसेस, इसका कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर रहेगा, वो क्या करता है एक्वस ह्यूमर पास होता है स्क्लिम्स कैनाल में पास होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रेटिना ए रेटिना है, कंटेंट फोटो रिसेप्टर रॉड एंड कोन दोनों पाया जाता है रेटिना में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबॉन्डेंट इंट्रासेलुलर कीटोन, मैं इंट्रासेलुलर कीटोन बता चुका, इंट्रासेलुलर कीटोन एच प्लस नो सोडियम, नो सोडियम क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएगा, कैल्शियम ये भी होगा, बट पोटेशियम इज इंट्रासेलुलर कंटेंट हो जाता है, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, पोटेशियम इज इंट्रासेलुलर कीटोन, ओके। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 21, डायग्राम शो इन एग्जाम टेबल शो कर रहा है सिनेप्स इज गिवन है, आइडेंटिफाई करेक्टली एट लीस्ट टू ऑफ ए टू डी, ओके। सी क्या है, सी डायग्राम में क्या है सिनेप्टिक वेसिकल है, ये क्या है वेसिकल है, ओके। बी क्या है सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, बी सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। डी क्या है, डी ये क्या है ये रिसेप्टर है, ये डी क्या है डी रिसेप्टर सही है। ए क्या है, दिस इज रिसेप्टर, दिस इज आल्सो रिसेप्टर हो जाएंगे, बट दिस इज क्या, दिस इज ये न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये क्या है ए क्या है ए रिसेप्टर में भी, ए भी रिसेप्टर्स में आ जाएगा, डी भी रिसेप्टर है ए भी रिसेप्टर है, ये आल्सो रिसेप्टर है। तो देखते हैं ए न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, क्योंकि यार न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हुआ तो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं हो सकता, सो दिस इज रॉन्ग, ए ऑप्शन इज रॉन्ग, सो बी सिनेप्टिक क्लेफ्ट ये तो सही है बट ये रॉन्ग है, बी सिनेप्टिक क्लेफ्ट सही है बट ये रॉन्ग है, सो रॉन्ग। सी न्यूरोट्रांसमीटर, सी दिस इज सिनेप्टिक वेसिकल नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर, सो दिस इज रॉन्ग। डी इज अ कैल्शियम, नो दिस इज रॉन्ग, सो बी इज रॉन्ग। ए रिसेप्टर है, करेक्ट है। सी सिनेप्टिक, सी फार क्या है सिनेप्टिक वेसिकल, यस करेक्ट, ये करेक्ट ये करेक्ट, सो आंसर सी इज द करेक्ट। बी सिनेप्टिक कनेक्शन है, नो दिस इज रॉन्ग। डी पोटेशियम रॉन्ग हो जाएगा, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फिगर शोज एन एग्जाम टर्मिनल सिनेप्स, सेलेक्ट ऑप्शन गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन लेवल ए टू डी, ए टू डी ए क्या है, ए एग्जॉन इलाका, एग्जॉन टर्मिनल बोल सकते हैं ये, ए को एग्जॉन टर्मिनल बोल सकते हैं ये। डी क्या है, डी वेसिकल्स है। बी न्यूरो ट्रांसमीटर है। सी क्या है, सी रिसेप्टर है, ओके। ए फॉर एक्शन पोटेंशियल, नो सी न्यूरोट्रांसमीटर, सी रिसेप्टर है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। बी न्यूरोट्रांसमीटर, बी करेक्ट है, न्यूरोट्रांसमीटर है। डी रिसेप्टर कैप्सूल, डी वेसिकल्स है, दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग। सी रिसेप्टर है, यस दिस इज करेक्ट। डी सिनेप्टिक वेसिकल, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, सो आंसर सी इज द करेक्ट। ए एग्जाम टर्मिनल करेक्ट है, ओके, बट बी सीरोटोनिन कॉम्प्लेक्स है, नो दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मींस सी रिसेप्टर सही है, ओके। बी सिनेप्टिक वेसिकल्स हो जाएंगे, ओके क्लियर। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आर सजाइटल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन शोन हियर, आइडेंटिफाई एट लीस्ट टू लेवल ए टू डी। ए क्या है, ए सेरिब्रम है,
ए सेरिब्रम है, बी थैलेमस है, थैलेमस है, सी सीधा पॉन्स है, सी पॉन्स हो जाएगा, सी पॉन्स हो गया, ओके। डी फिर क्या, सेरी बेलम हो जाएगा, ओके। तो सी मिडब्रेन, सी पॉन्स है, सो दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। डी सेरिबेलम ये करेक्ट है, बट सी रॉन्ग है। ऑप्शन बी ए सेरिब्रम करेक्ट है, सी द पॉन्स यस आल्सो करेक्ट, सो आंसर बी इज करेक्ट हो जाएगा। बी कार्पस कैलोसम, नो बी कार्पस कैलोसम नहीं, बी थैलेमस है, दिस इज रॉन्ग। डी फॉर मेडुला, मेडुला नहीं सेरिबेलम है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सी ए फॉर सेरिबेलम हेमिस्फीयर, ठीक है, दिस इज करेक्ट है, बट बी सेरिबेलम नहीं है, बी थैलेमस है, सो दिस इज रॉन्ग। सो डी आल्सो रॉन्ग, डी आल्सो रॉन्ग, सी आल्सो रॉन्ग। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ए सेरिब्रम सी इज द पॉन्स हो जाएगा, ए सेरिब्रम सी इज द पॉन्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस थ्री पार्ट, क्या वन ऑफ इच, थ्री पार्ट होते हैं इनमें से कौन कौन से, थ्री पार्ट कौन कौन से होते हैं, थ्री पार्ट में कौन कौन से, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, तीन पार्ट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है, कार्पस कैलोसम नहीं होती है, हाइपोथैलेमस नहीं होती है, सेरिबेलम होती है, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सो हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम आ जाएगा, तीन में एक ही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्लेस नो रोल इन हियरिंग, ह्यूमन में कोई रोल नहीं करता हियरिंग में, बट एज अ सच बट इज अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड, इफ्यूजन ट्यूब, ओके, नो, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, यस ये हियरिंग में हेल्प करता है, ये वेस्टिबुलर अपैरेटस ये हियरिंग में कोई रोल नहीं, ये ऑस्कुलस हियरिंग में हेल्प करेगा, इफ्यूजन ट्यूब प्रेशर इक्वलाइज करके हियरिंग में हेल्प करता है, बट वेस्टिबुलर अपैरेटस क्या करता है, ओनली फॉर बैलेंसिंग के लिए, नॉट हियरिंग। सो आंसर सी इज द करेक्ट, ओके। आंसर सी वेस्टिबुलर अपैरेटस हियरिंग में रोल नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ न्यूरॉन इज रेस्टिंग स्टेट में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर, रेस्टिंग स्टेट में है, नॉट कंडक्ट एनी इंपल्स, करेक्ट है। देख ह्यूमन मेम्ब्रेन क्या होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, कलेक्टिवली मोर परमीएबल टू Na+, नो मोर परमीएबल टू पोटेशियम के लिए होता है, एंड नियरली इंपरमीएबल टू क्या, Na+ होता है, ओके, दिस इज रॉन्ग। इक्वली परमीएबल टू बोथ Na+ के प्लस, नो, इंपरमीएबल टू बोथ Na+ के प्लस, नो, कंपैरेटिवली मोर परमीएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इंपरमीएबल टू सोडियम, यस दिस इज करेक्ट, डी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के लिए कौन सा होता है ये, हाइपो थैलेमस एंड अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग, दोनों के लिए हाइपोथैलेमस होता है, तो कौन सा है, टेम्परेचर रीडिंग के लिए हाइपोथैलेमस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द आंसर विच करेक्ट मैचिंग ऑफ स्ट्रक्चर इज लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पर, यूट्रिशन ट्यूब एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, नो, यूट्रिशन ट्यूब कहाँ पाया जाता है, इंटरनल नहीं, ये मिडिल ईयर टू नाजो फेरिंग्स, ओके, इक्वलाइज एयर प्रेशर आइदर साइड ऑफ टिम्पानिक मेम्ब्रेन, यस दिस इज करेक्ट बट दिस इज रॉन्ग, सो द एयर ऑप्शन इज रॉन्ग। सेरिबेलम इज अ मिड ब्रेन, नो, सेरिबेलम क्या है, ये हाइंड ब्रेन में पाया जाता है, कहाँ होता है ये, हाइंड ब्रेन में, सो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ओके, एक रॉन्ग तो ऑप्शन रॉन्ग। कंट्रोल डिस्प्रेशन गैस्ट्रिक सिक्रेशन ऑफ द बॉडी, नो, दिस इज कंट्रोल बाय क्या, मेडुला का काम होता है। इक्वलाइज प्रेशर किसका काम था, इक्वलाइज प्रेशर किसका था, ये यूट्रेशन ट्यूब का था, ट्यूब, तो कंट्रोल डिस्प्रेशन गैस्ट्रिक ये मेडुला का काम है, सेरिबेलम का नहीं है, ये हाइंड ब्रेन में पाया जाता है, ओके। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में पाया जाएगा, ओके, करेक्ट है। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर करेक्ट है, एज पर रेटिंग, यस करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट, सो ऑप्शन
सी इज द करेक्ट. ब्लाइंड स्पॉट नियर प्लेस वेयर ऑप्टिक नर्व लीव आई. यस ब्लाइंड स्पॉट करेक्ट है, ऑप्टिक नर्व लीव करते करेक्ट यहाँ पर है. बट रॉड एंड कोन प्रेजेंट बट इनएक्टिव हियर, दिस इज रॉन्ग. रॉड को नहीं पाया जाता है, ये क्या होता है एब्सेंट होता है. सो दिस इज रॉन्ग. ओके सो आंसर इज सी हाइपोथैलेमस फोरब्रेन में कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एनर्ज. ओके सो हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लीटली अच्छे से थ्योरी और इसके एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं. तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन या हार्मोन में. ठीक है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके नोटिफिकेशन. Thanks for watching. Thank you.